हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एमबीटी इंडिया के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक और नया फोन का रिव्यू जो कि है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G। और ये 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन है, तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जल्दी से इसका हम लोग रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G और ये इसका आउटर पैकेजिंग है और पीछे में इसका कुछ फीचर्स दिए हुए जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर जो कि आपका 2.2 GHz पे 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 120Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, 67W का टर्बो चार्जर टेक्नोलॉजी विद 5000mAh बैटरी, 108 megapixel का AI ट्रिपल कैमरा और बाकी कुछ फीचर्स है। और हम लोगों ने जो डिवाइस मंगवाया वेरिएंट मंगवाया है वो है 6GB प्लस 128GB का मिराज ब्लू कलर का। और इधर इसका पीछे में और कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं और सब इसका ब्रांड नेम पार्ट नंबर ये सब दिए हुआ है। और इसमें आपको जो है एक मोबाइल फ़ोन अडैप्टर, एक टाइप सी केबल, एक केस, वारंटी कार्ड और बाकी सब चीज़ मिलता है। तो चलिए हम जल्दी से बॉक्स करते ओपन। तो मैंने जो है ऑलरेडी इसको जो है अनबॉक्स कर लिया था और फोन को सेटअप भी कर दिया था। तो अभी जो है हम लोग का जो फ़ोन है वो थोड़ा सा अपडेट ले रहा है जो कि एंड्रॉयड 12 का अपडेट है। जब आप लोग न्यू लीजिएगा ये फ़ोन को तो आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स न्यू i13 एंड्रॉयड 11 पे देगा और साथ ही साथ आपको एक एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी आएगा तो आप अपडेट कर लीजिएगा। तो ऐसे कि अपडेट होते ये अभी अपडेट हो रहा है और जैसे ही अपडेट होता है तो उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट होकर होता है तो उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का इसका फीचर्स और रिव्यू सब चीज़ बताता हूँ। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर जो है हम लोग का मोबाइल जो है एंड्रॉयड 12 पे अपडेट हो चुका है और मैं आप लोग दिखा देता हूँ क्योंकि अभी जो हम लोग करंट वर्जन है वो अभी कौन सा है। तो हम लोग अबाउट फोन में जा रहे हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग का अभी अबाउट फोन में देखते हैं 13.0.1.0 और ये है एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है और अगस्त 2022 का है। सिक्योरिटी पैच दिया हुआ है और आपको एंड्रॉयड भी दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये है आपका एंड्रॉयड 12 का, ये कूल एनिमेशन काफी अच्छा एनिमेशन दिया हुआ है। तो आप इसको आराम से कभी भी जब मन चाहे आप खेल सकते हैं, ये अच्छा चीज ये है एंड्रॉयड में कभी भी। ये देखिए ये एंड्रॉयड 12 लोग स्क्रीन शॉट टेबल ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ फीचर्स पे और बाकी पे। तो बैक देख सकते हैं इसका बैक मिराज ब्लू कलर का लिया हुआ है वो कुछ इस टाइप का आपका और इसका कलर आपको जो है वो काफ़ी अच्छा देखने में भी लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ऊपर में आपको ये 3.5 इंच है के स्पीकर, आयर ब्लास्टर और एक माइक को दिया हुआ है। नीचे में यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग जो कि ये रहा और ये एक और स्पीकर दिया हुआ है और यहीं पर आपका ये सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है। देखता हूँ ये रहा आपका सिम इजेक्टर टूल और साइड में वॉल्यूम अप डाउन बटन्स। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपको जो साइड में है यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम रॉकर्स और ये पावर बटन और यही फिंगरप्रिंट से चेक वर्क करता है। और जो पीछे का बैक है यहाँ पर आपको बैक साइड में एलुमिनियम ये ग्लास बैक मिल जाता है, ये पूरा आपका जो है यहाँ पर ग्लास बैक है। और आगे साइड में भी ये आपका पूरा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है और ये छोटा सा आपका यहाँ पर ये यह है सेल्फी कैमरा। और पीछे साइड में ये जो है ये ऑल दो ये साइड पैनल है ये आपका प्लास्टिक का यानी पॉलीकार्बोनेट का ही बना हुआ है तो इसमें कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर आपको जो है
ये चार कैमरे दिए हुए हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार कैमरा दिए हुए हैं। और ये पहला जो कैमरा है ये 108 मेगापिक्सल का है, बाकी सब छोटे छोटे कैमरा से। और फ्रंट में आपको एक छोटा सा सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। और ये जो आपका डिस्प्ले है ये आपका 6.67 इंच का काफ़ी लंबा सा 120 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है। और ये लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा रहता है, और इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो मैं आपको 26 दिन दिखाऊँगा थोड़ा देर में। और तो थोड़ा सा हम लोग फ़ोन को साइड में रखते हैं, और पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है। तो ये तो मैं बिल था जो मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया था उसका बिल है। ये आपको 67 वाट का टर्बो चार्जर मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको ये चार्जिंग केबल, अभी कितना एम्पीयर का है वो तो बाद में चार्ज में पता चलेगा। और साथ ही साथ ये जो टीपीयू केस रहता है, सिलिकॉन टीपीयू केस रहता है, वो मिल जाता है। और आपको इसमें बाकी जो कागज़ है आपको इसमें मिल जाते हैं, अभी कागज़ देखिए वो कागज़ आपको इसमें मिल जाते हैं। तो बॉक्स में बस आपको इतनी छोटी चीज मिलती है। तो सबको पैक कर देते हैं हम लोग, और पैक करने के बाद अब वापस से हम लोग अपने फ़ोन पे आते हैं। तो फ़ोन पे जो है आपको हम लोग आते हैं इसे कैमरा पे। तो कैमरा में जो है जैसे कि मैंने बताया 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, और आप जैसे कि देख सकते हैं ये कुछ फोटोज है। तो ये मैंने कुछ फोटोज लिए थे, तो फोटो काफ़ी क्लियर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फोटोज है, ये आर्टिफिशियल लाइटिंग मिली है, तो ये फोटोज भी काफ़ी सही आ रहे हैं। और इसमें डिस्प्ले भी जो आपको एमोलेड डिस्प्ले देने के कारण इसका जो फोटो का डिस्प्ले आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और कैमराज में आपको वीडियो में आपको केवल 1080p 30fps तक का ही रिकॉर्डिंग मिलता है, उसके ऊपर का रिकॉर्डिंग नहीं मिलता, जो कि मुझे एक ड्रॉबैक लगा, क्योंकि ये एक 20K का फ़ोन है, तो कम से कम 4K रिकॉर्डिंग आपको इसमें देना चाहिए था। बट इसमें आपको एक ये अच्छा मिलता है कि आपको इसमें जो है ये लॉन्ग एक्सपोजर और ये डुअल वीडियो का मिलता है, यानी डुअल वीडियो में आप एक साथ फ्रंट और बैक कैमरा दोनों यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका फ्रंट साइड है, और ये आपका ऊपर में आपका बैक साइड चल रहा है, और नीचे में आपका फ्रंट साइड चल रहा है। आप इसको कैसे भी करके रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपको जैसे मन करना है वैसे रिकॉर्ड कर लीजिए। ये चीज़ आपको नोट 11 सीरीज में मिल रहा है, नोट 10 सीरीज में नहीं दिया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा कि उन्होंने कंटिन्यू किया इस चीज़ को। और इसके बाद अगर मैं उसका साउंड क्वालिटी का ऐड करें तो मैं चलिए कोई वीडियो प्ले करता हूँ। तो इसका ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी सही था, यानी इसमें डुअल स्पीकर सुनने के कारण जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ से आ रही है। और इसमें अभी मैंने कुछ तो सेटिंग्स किए हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ कि मुझे ये फ़ोन कैसा लगा, तो 20,000 में आपको एक ठीक ठाक फ़ोन मिल जाता है। आप 20,000 के नीचे से देख रहे हो तो आप लोग को एक फ़ोन ठीक ठाक फ़ोन मिल जाता है। लुक वाइज डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है, एक नॉर्मल यूसेज के लिए काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप लोग हैवी यूसेज पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको इशूज फेस करने पड़ेंगे इसमें। बाकी अगर आप नॉर्मल यूजर्स के लिए है, किसी को गिफ्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं इस फ़ोन को। और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और मैं मिलूँगा इसका और भी रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।